तो दोस्तों फाइनली वीवो V17 प्रो का कुछ फोटोज लीक हुआ है, और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि वीवो V17 प्रो आने वाला है क्वाड रियर कैमरे के साथ में, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का हो सकता है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाले स्मार्टफोन में और कब तक स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है इस बार ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट डिजाइन के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन में दो कलर वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है व्हाइट एंड ब्लैक। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस बार स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.7 इंच का डिस्प्ले, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, जैसा कि वीवो V15 प्रो में देखने को मिला था। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि वीवो V15 प्रो में एक सिंगल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था, तो दोस्तों लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग वीवो V17 प्रो में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के मेगापिक्सल्स की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के सेल्फी में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट यानी 48 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेकंड कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, दोस्तों इस बार स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर। लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों यही लगता है कि स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, और उसके साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि इस प्रोसेसर को पावर देने वाला है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 22.5W का एक फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरास की, तो दोस्तों जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में प्राइमरी 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है, जैसा कि रियलमी XT और रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला है, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है वीवो के फन टच ओएस के साथ। दोस्तों वहीं बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट देखने को मिलने वाला है 25,000 रुपीज के करीबन। और बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों सितंबर के महीने में इस स्मार्टफोन को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।